ऑल फेमस लव स्टोरीज हैव बैड एंडिंग्स। हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, रोमियो एंड जूलियट, शीरिन फरहाद, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। द लेटेस्ट लव स्टोरी विच एंडेड इनटू अ डिजास्टर इज ऑफ महमूद भट्टी एंड ब्राजीलियन ब्यूटी जॉर्जियास। वॉट वेंट रॉन्ग हेयर? लेट्स हेयर फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ एंड सी वॉट आवर बिलियनेयर फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी हैज टू से अबाउट दिस। जिंदगी में एक मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, ज्यादती हुई मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मैंने दिल से प्यार करता हूँ सबसे। साकब नसार साहब मेरे ऑफिस में आए, मुझे नहीं पता था ये जज साहब हैं कौन है। उन्होंने हजार कैमरे चीज़ें लगाई थी, आते सारे मुझे कहते हैं डिजाइनर तू डाकू, इसको पकड़ लें, इसको उस लिस्ट में डाल लें, इसका पासपोर्ट पकड़ लें। मैंने पूछा है पुलिस वालों को, ये मैं समझा था किसी मरीज को देखने के लिए आए। मैंने कहा ये कौन है? मैं कह आप मेरे से बदतमीजी ऐसे कर रहे हैं, मुझे डिजाइनर कह के डाकू बना रहे हैं, मैंने आपका क्या चोरी की है? मैं क्या मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? कहता है पुलिस वाला मुझे कहता है ये जज साहब है। तो मैं कह जज साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मेरे से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी बातें कर रहा है, इसको पकड़ लो। पुलिस वाले ने इधर से पकड़ लिया, इसका पासपोर्ट छीन ले, इसको उस लिस्ट में डाल दे। पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। उस आदमी ने मेरे साथ मेरी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी दी है। मेरी डिवोर्स हो गई, जो मेरी वाइफ एवरी मंथ मेरे साथ पाकिस्तान आती थी यहाँ पे काम करने के लिए, मेरे साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाती थी लेक्चर देने के लिए, पाकिस्तान के सारे अच्छे काम उसने मेरे साथ करती थी। हमेशा उसको अपनी ज़बान नहीं आती थी, साथ ऐसे बैठी होती थी हाथ पकड़ के। मेरी डिवोर्स हो गई उससे, वो डर गई क्योंकि बाहर दुनिया में एक जज किसी के पास नहीं जाता। उसने मुझे कहा तू मुझसे कोई लिखा रहा है, जज ने तेरे पास आया, तूने कोई क्रिम किया वहाँ पे। मेरे बच्चे कहते हैं पापा यू डू समथिंग रॉन्ग विद जज। मैंने उनको बताया मैंने कुछ नहीं किया, वो यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान नहीं जाना। मेरे मार्केट में सारे शोर डल गया, वहाँ पे इतने पाकिस्तानियों ने जाके जूश, जो उनके मालिक जिनके पास वो नौकरियाँ करते हैं उनके जाके वीडियो दिखाई, मेरा बताया बट्टी को जज ने पकड़ लिया, वो पेरिस कभी नहीं आएगा। मेरे बिजनेस पे मुझे करोड़ों यूरो का नुकसान हुआ, मेरे बैंकों ने मेरे साथ लिमिट मेरी काट दी। इस आदमी से पूछा जाए तूने मेरे साथ मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, जो पूरी दुनिया मेरी इज्जत करती है। अल्लाह ने मुझे स्मार्ट प्ले बॉय, अल्लाह ने मुझे मुझ पर रौनक दी हुई है, ये मुझे सिर्फ लोगों गरीब लोगों बड़ों की दुआएं हैं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी हुई है। तो पाकिस्तान था चीफ जस्टिस था, मैं इतने जजों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे आके इस हादसे के बाद मुझे मिले, मुझे प्यार दिया, मेरे सिर पे हाथ रखा उन्होंने और मेरी इज्जत की। अब मैं आया हूँ जिम खाना क्लब में, मुझे 15 जजों ने चाय के लिए वहाँ पे बुलाया और वो मेरे घर पे आए मुझे सॉरी करने के लिए। इस आदमी ने जजों की बेइज्जती की है, उनका नाम इस आदमी ने तबाह किया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ इस इंटरव्यू पे, मैं चाहता हूँ ये आदमी मेरे साथ टीवी पे आके फेस टू फेस मेरे साथ कोई प्रोग्राम करे और बात करे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये तो पढ़ा लिखा है, इसने डिग्री ली हुई है, मुल्क को चला रहा था ये आदमी। मुझे लोग जानते हैं 80 मुल्कों में, माशाल्लाह मेरा एक नाम है, मेरा एक फिगर है, ठीक है ना। मुझसे तस्वीरें लेते हैं हर एयरपोर्ट पे, चीज़ों पे मैं जाता हूँ, लोग मुझे भट्टी करके पहचानते हैं। तुझे कौन जानता है? जो फ्रॉन बनते हैं ना, अल्लाह ने उनको ऐसे खींचा है, इसके साथ सेम वही हुआ है, इसको ऐसे अल्लाह ने खींचा है।